गुड मॉर्निंग। सो टेक्निकली आज वो दिन था जब नीट की दोबारा से जो विंडो खोली गई थी फेस टू करेक्शन की, वो खत्म हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो विंडो खोलना एक छलावा था, असली कारण कुछ और था, जो कि केस हो गया है बहुत भयंकर वाला। बिकॉज महाराष्ट्र में दो बच्चे ऐसे हैं जिनको गलत OMR शीट मिल गई थी नीट में, और उन्होंने केस डाल दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट में वो केस जीत गए हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट एक्चुअली रूल दे चुका है नीट को कराने के लिए, तो अब उस दोबारा कराने के लिए, और अब उस फैसले के अगेंस्ट जो केंद्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और अभी गई है, अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। सुनवाई होगी फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, और देखिए दूसरी तरफ से वकील भी खड़े होंगे, राइट। तो ये सिचुएशन हो गई है। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि केस की सुनवाई किस डेट पे होने वाली है। सुप्रीम केंद्र सरकार ऑफ कोर्स जल्दी समय मांग रही है, क्योंकि जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा सुनवाई का, तब तक नीट का रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता। और वैसे हम लेट थे कोविड के चक्कर में, फिर रिजल्ट जो कि आना था मैक्सिमम मिड ऑफ अक्टूबर थे, वो इस केस की वजह से लेट हुआ है। और जितना एक एक दिन लेट हो रहा है, मान के चलिए जो सेशन है वो लेट होता जा रहा है। और मैं सच बताऊं, काफी लोग पूछ रहे हैं कब तक आने की उम्मीद है, कि सब कुछ ठीक है। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा दे दिया मतलब फैसला, फिर तो पता नहीं क्या होगा इस साल का। इसलिए शायद वो नहीं देंगे, बिकॉज आई थिंक सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वट इज द लार्जर गुड, और लार्जर गुड यही है कि अगर आपको MBBS का सेशन इस साल करना है तो फिर नीट दोबारा लेने का समय तो नहीं है। तो वो यही कहेगा कि वो दो बच्चों की बदकिस्मती, जो कि इंडिया में बहुत बार होता है जब भी ये इतनी बड़े स्केल पे कुछ भी काम होता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उसको छोड़ देगा तो उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। तो भी अगर अर्लीस्ट अक्टूबर एंड में रिजल्ट आता है तो हम पूरे 15 दिन लेट हो गए हैं, विच मीन्स मैं मान सकता हूं कि फर्स्ट राउंड ऑफ MCC काउंसलिंग है वो मिड नवंबर, एग्जैक्ट 15 नवंबर से पहले मुझे शुरू होती नहीं नजर आ रही, विच मीन्स स्टेट काउंसलिंग से वो दिसंबर से स्टार्ट होंगी, और दैट मीन्स जनवरी एंड तक ही फाइनली काउंसलिंग खत्म होंगी, और शायद 1 फरवरी से ही सेशन स्टार्ट होगा फॉर 2021 बैच। सो पूरा 1 महीना डिले चलेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। बट उसके बाद ऑफकोर्स ये लोग कवर अप तो कर ही लेते हैं वीकेंड पे क्लासेस लगा के और समर वेकेशन को ब्रेक करके। अब देखिए समस्या किन के लिए है, और मैं भी कहता हूं कि 4 तरह के 5 तरह के बच्चे हैं। एक है जिनको 600 नंबर से ऊपर है, हमें मालूम है कि सरकारी सीट मिली जाएगी, अब नहीं मिलेगी महीने बाद मिल जाएगी। 300 से 500 वाले हैं, प्राइवेट सीट मिली जाएगी, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा समस्या उनके लिए जो 580 से 500-600 वाले, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारा नंबर कितने एग्जैक्टली आ रहे हैं, आंसर की आ चुकी है आपकी, आइडियल आंसर की OMR शीट आपकी आ चुकी है, लेकिन हमें यह पता है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, पर हमें यह नहीं पता कि हम इंडिया में रैंक में कहां खड़े होंगे, राइट। लेकिन देखिए पिछले 5 साल से भी आप देख लेंगे ना, तो ये जो वेरिएशन है ये 10% से ऊपर नहीं है। लास्ट ईयर पेपर बहुत आसान था, तो उससे पिछले साल के मुकाबले में बात करूं एक रफली बोलूं तो 350 नंबर पे 300,000 रैंक थी 2020 में, तो 19 में शायद वो रैंक 340,000 थी। इस साल चूंकि पेपर मुश्किल आ गया है तो शायद वो रैंक 260,000 हो जाएगी, लेकिन 10% ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अपने मार्क्स को पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक और पिछले साल की कैटेगरी रैंक से कंपेयर करोगे, मैं हमेशा कहता हूं MBBS इंडिया में जितना इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया रैंक है उतने ही इंपॉर्टेंट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर रहेगा कि आप किस स्टेट की हो, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो सरकारी सीटें हैं वो स्टेट के अंदर है। सो जहां दिल्ली में आपको 610 नंबर में स्ट्रगल होता है सरकारी सीट का, वहीं हिमाचल में आपको 480 में मिल जाती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 550 में मिल जाती है, क्योंकि 85% जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं। तो ये कंफ्यूजन है। बट अगर आप 620 नंबर ला रहे हैं तो आपको पता है कि आपको सरकारी मिली रही है, आप 525 के नीचे आपको मालूम है कि आप मोस्टली प्राइवेट में ही जाएंगे। तो मैंने बोला ना कंफ्यूजन उनके लिए है कि जिनको ये है कि सरकारी नहीं मिलेगी तो हम MBBS अब्रॉड करने चले जाएंगे, और दूसरे कौन कंफ्यूजन में है जो मार्जिन पे है क्वालिफिकेशन के, कि जी फोन आते हैं सर 132 नंबर बन रहे हैं, 136 नंबर बन रहे हैं, लास्ट ईयर 147 था जनरल कैटेगरी का क्वालिफिकेशन स्कोर, तो क्वालिफाई होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म है,
और होने वाला हूं तो फिर मुझे देखना है कि इंडिया में एडमिशन मिले या मैं अब्रॉड करने बाहर चला जाऊं। दूसरी देखिए दिक्कत यही है कि इंडिया में डिले की वजह से एमबीबीएस अब्रॉड की अब सीटें, जो ये बैच था अक्टूबर में तो खत्म हो ही गया, लेकिन जो जनवरी बैच है जो काफी कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज में है उसकी भी सीटें खत्म हो रही है। तो पहले बच्चों को ये लगता था कि चलो अगर इंडिया ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो एमबीबीएस अब्रॉड में चले जाएंगे। तो उन लोगों को शायद वो डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन काउंसलिंग जब तक खत्म होगी विच इज जैन एंड, तब तक तो अब्रॉड सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो बिल्कुल मैं उन लोगों के साथ इत्तेफाक रखता हूँ जो लोग उस कंफ्यूजन में है, खासकर जिनको एमबीबीएस अब्रॉड करने जाना था। जिनको एमबीबीएस इंडिया ही करना है वो तो देखिए महीने बाद भी आपको सीट मिली जाएगी। और तीसरे वो बच्चे जिनको ये था कि इंडिया में नहीं मिलेगी सरकारी सीट तो फिर हम कुछ ऑल्टरनेट करियर भी दे सकते हैं। अब कई जगह ये होता है कि आपने एमबीबीएस का फॉर्म भी भरा था लेकिन किसी बच्चे ने आईपी में लड़ से किसी बायोटेक का फॉर्म भी भर दिया, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज का फॉर्म भर दिया और आपको लगता था कि भाई ये सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्स ही चेंज कर लूंगा। तो उनकी डिसीजन लेने की भी दिक्कत हो रही है कि भाई हम कब तक वेट करें। तो ये कुछ लोग हैं जो सफर करेंगे जिन्हें करना पड़ेगा। पांचवा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि सर काउंसलिंग लेट होने से क्या फायदा क्या नुकसान। तो जैसा मैंने कहा देखिए जो भी या तो कम जो भी विचलित लोग थे वो सब निकल जाएंगे। तो काफी लोग थे जो सोच रहे थे इंडिया या अब्रॉड, इंडिया या अब्रॉड, हम दोनों काम करते हैं, उन सब लोगों ने डीजल ले लिए अब्रॉड। तो वरना उनको ये था कि चलो सर इंडिया में ना दो राउंड देख लेते हैं, तीन राउंड देख लेते हैं, क्योंकि पता होता है सबको कि आप इस नंबरों पे नहीं मिलना, फिर भी आप एक उम्मीद बांधते हो। तो वो सब अब्रॉड के लिए चले गए हैं, ऑलरेडी चले गए हैं। तो मान के चलिए 400 नंबर, 500 नंबर, 550 नंबर के कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीजल ले लिया और वो अब्रॉड के लिए फीस जमा करा चुके हैं। तो ये सब बच्चे अभी कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, विच मीन्स मैंने क्या बोला कि सरकारी वाला तो फिर भी नहीं जाएगा, लेकिन आपके 515 नंबर बन रहे थे और केजीएमसी मणिपाल मिलता या ना मिलता उनको उम्मीद हो गई है मिलने की। तो चूंकि अब्रॉड का डिसीजन जल्दी ले लिया गया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में कट ऑफ गिर जाएगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव बच्चे थे जो आपके कॉम्पिटिशन में थे वो सबने ऑलरेडी अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया है एमबीबीएस के लिए। सो इंडिया में ये फायदा हो जाएगा कि कट ऑफ गिर जाएगी, क्योंकि अब मैदान में वही बचेगा जिसको इंडिया से ही एमबीबीएस करनी है। सो लेट काउंसलिंग का यही फायदा है या नतीजा है कि कट ऑफ हर जगह गिरेगी। तो जो शारदा अगर आपको 470 में मिल रहा था वो शायद इस बार 430 पे मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ विद पेपर सेम, विद रैंक सेम। तो ये पेपर अगर वैसे मुश्किल था तो 470 के बदले वैसे ही लोगों से कहता कि आपको 430 पे मिल जाएगा और इस लेट काउंसलिंग की वजह से शायद 390 पे मिल जाए। तो ये सब हो सकता है। तो एक फैक्टर है टफ पेपर का जो कि ऑल इंडिया रैंक को गिराएगा सेम मार्क्स पे या इम्प्रूव करेगा और कैटेगरी रैंक को करेगा। और दूसरा फैक्टर हो गया डिले ऑफ काउंसलिंग। सो पेपर टफ प्लस डिले इन काउंसलिंग। तो अगर आपके 350 नंबर है तो आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो 420 कट ऑफ 430 कट ऑफ का कॉलेज था वो भी आपको मिल सकता है। तो ये बस एक सजेशन, एक प्लानिंग आपके लिए है जो बाबर ही पूछ रहे कि सर इस लेट होने से हमारा क्या इम्पैक्ट होगा, क्या स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। आप हमारी मेरी पर्सनल पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, देखिए जीके वर्ष में सिर्फ मैं ही इंडिविजुअल बात करता हूँ, जो भी मेरे करंट क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि एमबीबीएस इंडिया इज ए वेरी ट्रिकी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब आप हमारे हेल्पलाइन में फोन करते हैं, असिस्टेंट उठाती हैं, उसके बाद आपकी सीट मिलने तक जो भी आपकी डीलिंग होती है वो मेरे साथ डायरेक्टली होती है। मैं साल में सिर्फ 50 क्लाइंट लेता हूँ और सबके साथ डायरेक्टली बात करता हूँ, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ डायरेक्टली स्ट्रेटजी बनाता हूँ, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसलिए शायद हमारे चार्जेस भी जो लोकल प्लेयर्स हैं जो भी छोटे छोटे टेलीकॉलर्स को बिठा के उनसे आपका काम करा रहे हैं उनसे शायद थोड़े आपको ज्यादा सुनने में आते होंगे। तो आई होप आप लॉजिक समझेंगे कि जिस क्वालिटी का इंसान आपके लिए काम कर रहा है वो चार्जेस भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।